सरकार जब खुद 1947 से है तो हम लोग क्या 1948 से हैं? उससे पहले से ना। तो जब सरकार खुद 1947 से है तो जमीन ओकर लगे कि हमर लगे कि केंद्र सरकार, केंद्र यानी मोदिया और राज्य यानी हेमंतवा, अगर एखनी चाहतो काम करना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज लगाना है, कोई आर्मी के बीएसएफ के सेंटर खोलना है या कुछ काम करना है तो जमीन ले सकल है, लेकिन शर्त पहला की है जमीन के बदले जमीन। जितना जहान उपस्थित है, भाषा में दिक्कत नहीं ना है, क्या कि हमें अपने भाषा में बात करबो। नहीं कहल गया ना कि एक कोश में पानी और दूसरा कोश में बाणी बदल जात रहे, तोहनी लागा हजारीबाग के, हमें लागो धनबाद के, धनबाद के बाद बोकारो हो, बोकारो के बाद रामगढ़ हो, तब हजारीबाग हो ना, से खातिर पूछ लियो। तो आज जितना जहान आये रहा और जे हमर से बड़ो लगा, सब के तो नाम नहीं धरे पारबो ना, सब के नाम धरबो तो अंधार भय जितो। तो सही खातिर जे जे हमर से बड़े लगा अखिन के सब के एक संगे एक साथ जोहार करे है, गोड़ लगा है, जोड़ हाथ करे है। जे जे हमर से छोटे लगा अखनी के आशीष दे है। और विशेष धन्यवाद मीडिया बंधु सबके जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से आये थे, क्योंकि आज जैसन परिस्थिति हमने सामने है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जकर में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता भी है। हालांकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका हमने साथ नहीं खड़ा है, तो कम से कम पत्रकारिता हमने साथ खड़ा रहिया, सही खातिर तोहनी के जोहार कर रही है, वंदन कर रही है। और विशेष धन्यवाद देव स्थानीय थाना प्रभारी महोदय, सब थाना के जवान सब आते ना, तो स्थानीय थाना प्रभारी महोदय के साथ साथ जितना भी जवान सब आये, महिला सब के भीनो, मर्दाना सब के भीनो, जितना भी पुलिस कर्मी ही आये तो हनी सब के धन्यवाद करो, जोहार करो, वंदन करो, लेकिन लास्ट सवाल तो हनी सो करबो। तो जैसन की हमर से बोले से पहले जितना जान बोल थो सभी साफ साफ कह दलो कि जमीन हमने माए समान हो, जैसे हमने माए के पूजा है वैसे हमने जमीन के भी पूजा है। यह खातिर पूजा है कि मैया में हमने के 1.5 साल तक है ना दूधवा पिया है, साल भर 1.5 साल, और बाद माए के दूध हम इन सभी छाड़ दे है, और बाद हमने पेट क्या भर है, यह मटिया में हमने पेट भर है। तो जैसने मैया हमने खातिर लगा है तैसने मटियो लगा है। तो जैसे मैया के दूध के कर्ज अदा कराई है, ये माटी के भी अन्न के कर्ज हमने के अदा करना है, चाहे जैसे परिस्थिति आता है, ये माटी से कोई समझौता नहीं। आज अडानी के कंपनी जैसे कि हमने पेपर में पढ़ा लियो, हालांकि हम बड़का गांव पहली बार लियो, पेपर के माध्यम से पढ़ लिए कि अडानी लगातार ये दबाव बनाए रहा है जमीन लिए खातिर, तो अगर खातिर प्रावधान है, ऐसा बात ना है कि जमीन नहीं ले सकल है, भारत के कानून में है कि तो जमीन ले सकल है, लेकिन कानूनवा पूरा जानवे कि नहीं। भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून है कि केंद्र सरकार, केंद्र यानी मोदिया और राज्य यानी हेमंतवा, अगर एखनी चाहतो कोई काम करना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज लगाना है, कोई आर्मी के बीएसएफ के सेंटर खोलना है या कुछ काम करना है तो जमीन ले सकल है, लेकिन शर्त पहला की है जमीन के बदले जमीन। पहला कंडीशन जमीन के बदले जमीन। तो अडानी साहब बोलिए अपने पिताजी से, पिताजी यानी मोदी, एगो भेवा है ना, धर्म पिता, धर्म बेटा, धर्म माय भेवा है ना, यानी ओकरा बाप मानल जाए वो बाप नहीं लगो, लेकिन ओकरा बाप मानल जाए वो बेटा नहीं लगो, लेकिन ओकरा गोद ले के बेटा मानल जाए ओकरा धर्म बेटा कहल जाए। तो इसने अडानी के धर्म बप्पा लगो मोदी, तो एकरा कहे कि मोदी से कहता है कि ठीक है गोंदलपुरा के लोग जमीन देता है, लेकिन बदले में जमीन कहां तैयार है। दूसरा शर्त की है कि यदि आप कोई भी परियोजना को वहां लगाते हैं तो 80% राजा मंदी है,
यानी अगर वो गांव में 100 लोग रहा है तो 80 को लोग के मंजूरी होना चाहिए कि हम जमीन दे रहे हैं। 80 को मंजूरी है कि तो ये तो खत्म है। फिर की शर्त है कि बाजार मूल्य से यानी मार्केट में जमीन के रेट की है, जिसे हमने जमीन हवा है ना, गोड़ा है, बाद है, कनारी है, भैयार है, जमीन के प्रकार है, किसम है ना, तो मार्केट में जमीन के की रेट है, वो रेट से 4 गुना ज्यादा पेमेंट होना चाहिए। 4 गुना ज्यादा पेमेंट होना चाहिए कि अडानी डकर है। दूसरी बात, उस जमीन में जब तक खदान रहे, फैक्ट्री रहे या चिमनी के धुआं रहे, तब तक उस परिवार के नौकरी मिलना चाहिए जकर जमीन गला हो। यानी यदि बाप के टाइम जमीन गला हो और यदि उस फैक्ट्री में नाती पोता के टाइम भी अगर काम भर रहा हो तो नौकरी नाती पोता तक मिलना चाहिए। तो से खातिर एक बात सीधा जान ले, यदि हमने कोई सरकारी सर्विस करबो कर है तो कितना दिन खातिर कर है? 40 साल, 35 से 40 साल, 60 साल में रिटायरमेंट है, इतने कर आती ना। तो निके घर यदि के सरकारी नौकरी है, चाहे यदि सब पुलिस है, सब तो गांव के बुझा तुम सभी तो बढ़िया से बात बुझ भी रहा लो, कतारी भी खा रहा लो, तो कई साल नौकरी करब तुम? 18 से 22 साल में नौकरी ज्वाइन कर लो, 60 साल में नौकरी खत्म हो जाते। अब हम अखनिये से पूछा है कि अगर बेटवा पुलिस बने पड़ते गारंटी लेते है? जितना भी पुलिस के दादा सब दीदी सब हते अखनी के बेटा बेटी मान पुलिस बने पड़ते अखनी गारंटी लेते है? लेकिन अगर मटिया रहता है तो कतारी लगाए के खेता, मूंगफली बादाम लगाए के खेता। तो जमीन हम कहे जब कि हमने लाइफ 40 साल है कि हमने सब 2050 में खत्म हो जाए की, जब ना है तो एक लाइन में है, जमीन किसी भी हाल में ना दिया लेता है। जमीन के बदले अगर जमीन देवे तब मिलतो, और जमीन के बदले पैसा अपन पास रख। कहे बताओ, अगर हमने के पैसा मिल भी जाओ, यदि बहुत सारे लोग चूंकि पैसा देख लखो गांव में रहे वाला और 10 लाख 12 लाख दे भी दो, वो कहते चल दे दीजिए आते देख लेते। एक बात सीधा जान ले, हम इन सब खेतिहर लगाना, किसान लगाना, तो किसान के हाथ में अगर 10 लाख दे ना, एक साल बाद तो 8 लाख भरी, तो 12 लाख 15 लाख ना बेतो। क्या कुछ सेठ मरवारी साहूकार ना लगे, क्यों पैसा से पैसा कमाते? हमने सेठ साहूकार ना लगे, 2-4 गवा तो अच्छा बात है, मैक्सिमम तो खट्टे वाला लगा ना, खेती करे वाला। तो हमने में इतना हमने 1000 साल के इतिहास लगाए कि हमने पैसा से पैसा ना कमाई सकल है। तो यदि कोई लालच में 10 लाख में दे दहा, एक साल बाद 8 लाख भजे, तो अगला साल 6 लाख, अगला साल 4 लाख, और लास्ट 0 भजे। तो की हमने के की चाहे जमीन चाहिए, ताकि हम कतारी लगा सकलिए, 6 महीना बाद बादाम लगा सकलिए, 6 महीना बाद धान लगा सकलिए, गेहूं लगा सकलिए, मुरई लगा सकलिए, खीरा लगा सकलिए, गाजर लगा सकलिए, ताकि हम किसान लगे, हमें माटी से फसल उगा सकलिए, पैसा से पैसा ना बना सकलिए। तो सह खातिर ये बात को तोरा स्मरण रखे। अगर बाद देखने का तो कि विकास के लिए हम जमीन लेते हैं, तो विकास के मतलब की है, वह है चिमनी के धुआं, अखनी पीतो अडानी के दमाद सब पीते बिस्लरी के पानी, और हमने के दामोदर नदी 20 से भराई गई। दामोदर कतरा दूर है जैसे 20 किलोमीटर, तो विकास की हट्टे लगाए कि ओकर घर एक लोग बिस्लरी पानी पीता है, वो एसी में रहता है, वो दिल्ली से यहाँ देखता है, और हमरा धुआं मिलता है, हमरा कोयला कारी मिलता है, हमरा बीमारी मिलता है, हमरा कैंसर मिलता है, हमरा टीवी मिलता है, हमरा अस्थमा मिलता है, तो हेटा विकास लगे। ऐसा विकास के हमने के जरूरत ना है, सीधा सा बात है, ऐसा विकास के हमने के जरा सा भी जरूरत ना। आज बहुत ध्यान करता हूँ, वीडियो में आग देखे तो डीसी आग देखे तो कि जमीन सरकार के है। एक बात बताइए, सरकार कब से है? 1947 से, उससे पहले तो सरकार नहीं ना था। सरकार जब खुद 1947 से है तो हम लोग क्या 1948 से हैं?
गोंदलपुरा 1948 से है क्या? उसे पहले से है ना? तो जब सरकार खुद 1947 से है तो जमीन ओकर लगेगी, हमर लगे। सबसे महत्वपूर्ण कारण हो कि हमने में एजुकेशन के अभाव, हमने पढ़ लिया ना, जितना भी कानून बन ले जमीन के हमने जान लिया ना, जान ले के ना जकरा लुटे है डीसी जान लो, वीडियो जान लो, जकरा जमीनवा लुटे है वो कानून के कितबा के पढ़ ला है, लेकिन जकरा जमीन बचाए खला है वो कानून के कितबा के इनके ना पढ़ ले। यहाँ जितना जान तोनी है जकर चुलवैन पाए गला अपने छाड़ दे, लेकिन बाकी जे नौतन सब आयल है कम से कम जमीन कानून अपन दू चार को संविधान ओकर जानकारी रखा। कहे कि बिना पढ़ाई के बिना शिक्षा के लड़ाई ना लड़ पा रहा। बाकी भारत के भारत देश में जे कानून चल है जकरा भारत के संविधान कहल जाए वो किताब में वो कानून में कहीं जिक्र ना है जकर में मूल 395 को आर्टिकल है, मूल 12 को अनुसूची है, मूल 22 को भाग है, वहाँ कहीं ना जिक्र है कि जमीन के मालिक केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार बने, कहीं पे जिक्र ना है। वहाँ एक लाइन में स्पष्ट है भारतीय संविधान 39B जनता राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आवा है, राज्य के। अभी जमीन के मसला राज्य के लगा है, मोदी के भी नहीं लगे, ध्यान दियो। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक ओकर में 39B आवा है, ओकर में स्पष्ट लिखा है कि भौतिक संसाधन पर जन समुदाय की भागीदारी होगी। भौतिक संसाधन किताबों में लिखा लाए जनता कानून के किताब लगाए, वो किताब में स्पष्ट लिखा लाए कि भौतिक संसाधन में जन समुदाय ग्राम सभा यानी गांव के लोग के अधिकार हो। भौतिक संसाधन के मतलब ढेका पत्थर पात पाला कोयला चूना मने जकरा देख सकल ही और जकरा छू सकल, यानी संसार में ये भारत देश में जे जे समान है चाहे वो ढेका रो ये पतैया रो चाहे ओकर से बेड़ी है चाहे घोंग के पतई लगे ओकर में अधिकार है ग्राम सभा के। कोई भी समान ना है जकर में सरकार के भागीदारी है। तो कारण हमने के लोग पढ़ लेना है, हमने के लोग समझ लेना है, हमने के लोग जान लेना है, सही खातिर आज हमने के इतना दुर्गति फैला है। दूसरा बात, जब पहली बार कंपनी आई ले जैसे NTPC एकर से पहले कहीं BCA ले ले कहीं टाटा आई ले तो हमने के लोग के पता ना हलाए कि 50 साल बाद की होते। अखनी आज देख ले कि हमार चुल्हा में खाना है कि नहीं, अखनी कल के बारे ना सोच ले कि 50 साल बाद हमार गिदर हुए हमार पुत्र हुए खेत है कि नहीं खेत, वो सिर्फ आज देख ले सही खातिर अपना जमीन अखनी दिए के काम कर लिया। लेकिन इटा हमने के आज ना पता चल रहा है कि हमने पूर्वज कितना गलती कर ले। आज अगर हमने जमीन ना बचवा, आज अगर हमने जमीन खातिर ना लड़ा तो पता चल तो आने वाला 20 साल में 25 साल में हमने शरणार्थी बन गए। शरणार्थी बुझा एगो शब्द कहा यो, हालांकि कह ना चाहे हो एगो मानुष के समुदाय लगे एगो गुलगुलिया शब्द तो नहीं सुना लगा बंजारा गुलगुलिया, जे कभी गांव में घूरते बोलते चलते टहलते आवत रहा है आए के तंबू गाड़त रहा है ऐसने गाछ गाछ में बॉन्ड में जाए के चेरे चिंगनी मार के आनत रहा है और गांव में जाए के ककरो घर चार मांग के खात रहे देखा लगो सोखनी लोकवन के देखा लग के नहीं के बंजारा कहे के गुलगुलिया कहे तो की लोकवन के कभी घर द्वार ना हलय हलय की ना हलय कि ओखनी ऐसने हवा पानी से पैदा भले कि कोई माए बाप ही पैदा कर लेते, कोई माए बाप पैदा कर लेते तो यदि माए बाप पैदा कर ले हमने ही अपना बड़ा बड़ा खेत हो टाड़ हो नदी नाला हो तो ओकरो तो हते, लेकिन आज ओकर यहाँ कुछ भी ना है। आज वो कभी बड़का गांव में कभी पतरातू में कभी रामगढ़ में कभी मांडू में जाके रहा है, ककरो घर चोरा मांग है ककरो घर सब्जी मांग है और जब ना कुछ पावा है तो जब गाछ पात में चेरा गिला हो चिनगिनी कौआ मैना ओकरा मार के खा है, कितना स्थिति खराब है। तो सही नियार
अगर हमने ना लड़ा, हमने लड़क हिम्मत ना करा, तो 20 साल 25 साल बाद हमने की स्थिति एगो गुलगुलिया एगो बंजारा के जैसन भाई जी। तो आज हिया कल हुआ, कल हिया मांगना, परसों हुआ मांगना, और ऐसे चले। तो हमने हटे चाहा कि हमने के बाल बुतरू के भविष्य हटे हता कि नहीं ना सर खाती लड़े है। तो आप कहने का बा कि सामने इतना बड़ा बड़ा डीसी साहब आओ हमने के धमके ले, इतना पुलिस के लाइक आओ हो, मारता हो पिटता हो, इतना दर्द देता हो, कैसे लड़बो हमें? आप पुरुष के बात ना कर भाई, क्योंकि हम बार बार कह लिए ये आंदोलन तबे सक्सेस बताए, हमने लड़ाई तब जितवाए जब महिला सब के भागीदारी पुरुष से ज्यादा बताए। तोहनी के जदी लागा है कि दर्द बताए मार कर देता है, तो एक बात बताओ एकर से कई गुना ज्यादा दर्द तोहनी झेलल है जब अपन बच्चा के जन्म दे है, झेलल है कि ना झेलल है? अभी मान के चल अगर एखनी जितना पुलिस कर्मी हो सभी ने अगर एक साथ तोरा मारतो ना उतना दर्द ना बतो जितना तो माए बने टेन झेलल है। तो तुम अपन कमजोर कह माने हैं, संसार में एगो स्त्री से ज्यादा दर्द दुनिया में क्यों नहीं झेल सकल? और आज तोरा फिर दर्द एक टाइम तो दर्द झेल ले अपन बच्चा के दुनिया में आने खातिर, आज तोरा फिर दर्द झेले है तो कहे बताओ अपन ओहे पेटवा के, ओहे पेटवा के जकरा जन्म दिले ओकर रोजी रोटी बचाई के रखे खातिर। अगर आज पीछू हटबे तो बेटिया बेटवा रहता हो, लेकिन पता चल तो कहीं भीख मांगो हो, रामगढ़ के कोई कोना में भीख मांगो हो, या रांची के कोई सेठ जी के घर में बर्तन मांगो हो, या टाटा जमशेदपुर में कोकरो घर नौकरानी बन के हो, तो हम नौकरानी कहे बनते? हमार घर एक गिदर पुत्र भीख कहे मांगता है? राज हमार लगाए, ये जमीन जगह हमार लगाए, हमार पुरखा एक मेहनत से बनाए, कोई हमने के गिफ्ट में दलाई की? आज से हजार साल पहले, आज से सैकड़ों साल पहले हमने एक पुरखा एकरा कोड़ के बनवा ले, करा करके बनवा ले। करा के मतलब बुझा तो नहीं, करा समझा ना? नया गिदर सब ना बुझो, अखने के तनी बुझाए दे करा मने की लगे।